हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करण देव कंबोज का बयान, हरियाणा बना केरोसिन मुक्त। केरोसिन मुक्त एलपीजी युक्त बनने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करण देव कंबोज ने कहा है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं व डिपो धारकों के लिए कैशलेस सुविधा शुरू करने के दृष्टिगत इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला पंचकूला में शीघ्र ही शुरू किया जाएगा, जिसे बाद में पूरे हरियाणा राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी डिपो धारकों को पीएनबी में चालू बैंक खाते खोले जा रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर 2018 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंबाला व करनाल जिलों में फोर्टिफाइड आटा देने की योजना भी शुरू की जाएगी और उसके बाद पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। देखिए पल पल की चंडीगढ़ से ये रिपोर्ट। जब हमने सारा डाटा अपना आधार सीड किया ऑयल कंपनियों से, हमने सारा जो हमारे एलपीजी कंपनियां थी उनके साथ हमने टाई अप किया और जब आधार से लिंक किया तो लगभग 6 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास कैरोसिन भी जा रहा था और उनके पास ऑलरेडी एलपीजी कनेक्शन लगे हुए थे। तो हमने वो सारे के सारे बाहर करके 5,12,000 लोगों को हमने नए एलपीजी के कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारी सरकार ने देने का काम किया है और इसमें लगभग 86 लाख रुपया जो है वो सरकार ने इस सारी स्कीम पर खर्च किया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में वो कर दिखाया है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हरियाणा केरोसिन मुक्त एलपीजी युक्त बनने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके चलते प्रदेश के लोगों को अब तक कुल 5.12 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इस पर कुल 81.89 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें हमने कई ऐसे अहम फैसले किए हैं जिसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट जो है ये देश विदेशों में जो है ना वहाँ के प्रतिनिधिमंडल इसको देखने के लिए आए हमारी स्कीम को। जब हमने सारा ऑटोमेशन किया अपना डिपार्टमेंट और ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा रोकने का काम किया तो अन्य देशों से भी यहाँ प्रतिनिधिमंडल जो है ना इसको देखने के लिए आए। 6 देशों से जो यूएसए से एक जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ देखने के लिए आया। इंडोनेशिया का एक डेलीगेशन हमारे सोनीपत में हमारी स्कीम को देखने के लिए आया और इसी प्रकार से फिलीपींस का एक डेलीगेशन पंचकूला जिले में इस सारी स्कीम को देखने के लिए आया। इसी प्रकार से मालदीव, जर्मन और तंजानिया का एक प्रतिनिधिमंडल इस सारी स्कीम को देखने के लिए आया और इस स्कीम को देख करके वो अपने प्रदेशों अपने देशों में जा करके इस पर काम करने का भी उन्होंने मन बनाया है।